मैं बहस का मुद्दा छोड़ रहा हूं। आप तबर्रुक के जो मेंबर से दाखिल है, दो तबर्रुक है हमारे पॉइंट के पास। एक तबर्रुक जो मेंबर से मिले, एक जो मजलिस के बाहर बैठे, मजलिस के बाहर बारह मिल जाए तो छूट के ले लो, मगर मेंबर से मिलने वाले तबर्रुक को ना छोड़ो। वो तबर्रुक उलमा ने रखा था गैर कौम के लिए। सुन लीजिए, दलील दे रहा हूं क्यों गैर कौम के लिए रखा गया था। क्योंकि इमाम हुसैन ने रोजे आशा फरमाया था, मैं फरजंदे रसूल बकूल अली हक हक पर हूं, हक हक बोल रहा हूं, मगर तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम गिजा से पुर है। मेरा मतलब सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम, तो जब पेट में हराम गिजा होना तो इमाम की बातें भी असर नहीं करती। इसी भैया कारोबार के बाद उलमा ने मजलिस के बाद वो तबर्रुक रखा, ताकि गैर कौम को हलाल। गैर कौम को नाम हुसैन आए बचने वाला हलाल आए पहुंचे, वो हलाल आए खून में बदल कर अपना असर दिखाएगा। निकल कर बात पहुंची आप तक, ना मिले शिकवा नहीं, तबर्रुक मिल जाए तो ले लो, ना मिले कोशिश करो दूसरों तक पहुंचाओ। इसीलिए दूसरों ने तबर्रुक पे फतवे लगाए, क्योंकि वो जान रहे थे कि तबर्रुक असर दिखा रहा है और मेंबर का तबर्रुक असर दिखा रहा था। मगर हम इस तबर्रुक पर बात ही नहीं करते, हम उस तबर्रुक पर बात कर रहे हैं किस बावर्ची का बना हुआ है, किस कंपनी का है, क्वालिटी कैसी है, जायका कैसा है, ताती है या बाती है, इसके बात नहीं हो रहा। तो वही पड़ गए जो गर्म करके गए, ये रिवायत कौन सी है, ये तबर्रुक कौन सा है, उसका नुकसान क्या, उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि जिस कौम में मीसम में कमार पैदा होने चाहिए। उठो नौजवानों, करबला लोगों को सुनाओ, उठो नौजवानों, गमे हुसैन में बटने वाला तबर्रुक घर घर पहुंच। आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि कोई आता कदम फर्श अज़ाब पे रुक न जाए। आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, जब जुलूस में जाओ ना हाजी आलम, जब जुलूस में जाओ तो सकीना तसव्वुर में हो, जब जुलूस में जाओ तो हुसैन तसव्वुर में हो। मैंने देखा है अक्सर नौजवानों को जब उनको तनाई में माँ याद आती है ना, वो रोने लगते हैं। मैंने देखा है जिनके बाप दुनिया में नहीं है, जब उन्हें बाप याद आता है ना तो रोने लगता है। जिसका जवान भाई चला जाता है, जब भाई याद आता है तो रोने लगता है। आर बाबे जुलूसों में जाओ तो ये सोच के जाओ, हम उसके जुलूस में चल रहे हैं जिसका जनाजा उठाने नहीं दिया गया। बताओ इन लोगों को ये किस शहीद का ताबूत है, बताओ इन लोगों को इन बीबियों पे क्या बीती, किस तरह बताओ चीफ इनको डराओ, इन्हें बताओ कि मालूम है सकीना कौन थी। सकीना वो चार साला बेटी थी जो अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी। मालूम है कि जब आखिरी नुसरत पर हुसैन घोड़े को ऐड लगाना चाहते हैं और घोड़ा नहीं चलता, तो जनाब इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरे घोड़े, मुझे मालूम है तू सुबह से मकतल जाते जाते थक गया है, मैं तुझे
से आखिरी बार चाहता हूँ तू मुझे मक्तल में ले चल। तारीख कहती है जुलजना ने कदमों की तरह इशारा किया और हुसैन ने एक मंजर देखा। सकीना जुलजना के पैरों में हाथों को डाले कह रही है मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को लेकर न जा। सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया। अजरकुमला ये आवाज़ें बुलंद है ना, सोचो मैं आपको बताऊं। हुसैन घोड़े से उतरे और बाप बेटी से कहता बेटी जाने दे के बाबा मैं तेरे बगैर कैसे सोऊंगी। बाबा मुझे तो तेरे सीने के अलावा नींद नहीं आती। तारीख कहती है इमाम हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया और शायद जुमला कहा मेरे लाल आज से तू माँ के सीने पे सोना। तेरा भाई अजहर मेरे सीने पे सोएगा मगर मैं कह पाया हुसैन गरीब इस सकीना को सोना नसीब कहाँ हुआ। ये सकीना कहाँ सो पाई। अरे तेरी शहादत के बाद जब खैमों में आग लगाई गई सरों से चादरें उतारी गई तो तारीख ने मंदिर देखा इस बच्चे के दामन में आग लगी थी। ये मक्तल की तरफ जा रही थी और कहती जाती थी हाय मेरा बाबा हाय मेरा चचा। तारीख कहती है जब शबे आशूर तमाम बीबियां बच्चों को जमा कर रही है ना, सोचो सोचो और दिल पे हाथ आता आप करबला में बैठे खैमे में आग लगाई जा चुकी है सैयद सज्जाद को निकाला जा चुका है। छोटी सी बच्ची है भाई चार साल की बच्ची है थकी है भूखी है प्यासी है। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब से बिस्तर कहती है बीबी सब है सकीना सब है सकीना नहीं है। मकातिब कहते जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और कहते जाते सकीना सकीना कहाँ हो आवाज़ दो सकीना दिखाई नहीं देती। तारीख कहते जब जनाब ज़ैनब मक्तल में और करीब आई एक लाश का हाथ बुलंद हुआ आवाजों को रोकेगा एक हाथ बुलंद हुआ और इशारे से कहा चुप हो जा अभी सोई चुप हो जाओ अभी सोई है। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब करीब गई जाके देखा एक जिस्म है जिस पर तीर लगे हैं एक लाश है जो टुकड़ों में बटी है एक लाश है सुन सकिएगा जिस पर कफन है। जनाब सकीना को उठाया सीने से लगाया और सीने से लगा के कहती है मेरी बेटी सिर्फ एक जुमला ये बता दे किसकी लाश को या तो कपड़ों से पहचाना जाता है या सर से पहचाना जाता है। सकीना अरे तूने कैसे पहचाना ना ये तेरे बाबा है मैं तो पत्तल में आ गई थी इन आवाजों पर रहम नाज़िल फरमा। उम्मत मुस्लिमा खुदा शियान हैदर कर जहां जाए उनकी जान आबरू की हिफाजत इस अदादार और अदादारी की हिफाजत जो भी नाम है हुसैन के दाम है तेरा में सुबह जो हिस्सा लेते हैं उनके रिस्क में बरकत इनायत फरमा।
जो बीमार है जफर अब्बास साहब, इमरान अली, डॉक्टर रिजवान साहब, जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा है, शाकिर साहब, जो जो बीमार है आपके अपने मरहूम दोस्त अजीज को परवरदिगार शहजादी बीबी फातिमा के साथ के मनुष्य भाई कामिल है नायक है, जो इस टाइम आराम के लिए ईरान इराक कर्बला गए में मुसीबतों में परवरदिगार उनकी मुसीबतों को आसान फरमा, महबूब तुझे मामले जमाना का रास्ता, हमें इनकी फौज में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा, मुझे हक बहनी से काम लेने की तौफीक इनायत फरमा, हमारे मरहूमों की मकबरत फरमा, ज्यादा देर न लगा इमाम के दर में ताजील फरमा, वो जराए फराम फरमा के जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर हो सके, महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मालिक का हमारे मरहूमों की मकबरत फरमा, माता में हुसैन।